नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम तैयार कराएंगे आपको हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आपको कवि एवं रचनाएं, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें से 5 नंबर हर पेपर में आता है, जहाँ पे भी आपका हिंदी पूछा जाता है। तो आप लोग इसे ढंग से तैयार कीजिए, और आप लोग पेन और एक पेपर ले लीजिए, नोट्स अपने ले लीजिए, जिनमें भी आप इसको नोट्स करते चलेंगे, क्योंकि मैं जो जो यहाँ पर आपको बताऊँगा बोलूँगा वो भी आपको लिखना होगा, और जो आप लोगों को वीडियो पे दिखेगा उसे भी नोट करना होगा। क्योंकि ये मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा, मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊँगा जिससे कि आपका मिनिमम 5 नंबर पक्का हो जाए, क्योंकि पेपर में इनसे 5 नंबर आता ही है, और आप लोग अक्सर क्या करते हैं, उसे छोड़ के चले जाते हैं या कन्फ्यूज़ रहते हैं, पढ़े नहीं रहते हैं, तो आपका वो तैयार नहीं होता। लेकिन पेपर में हर जगह आता है, तो जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वो लोग एकदम इसको सीरियस लें और इस पे तैयार करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य की। तो हिंदी साहित्य जो हमारा है ये 4 भागों में बांटा गया है। एक है आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, इसे 4 भागों में बांटा गया था, और इसे बांटा किसने था, इसे बांटा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो ये कई बार आपसे अक्सर पूछ लेता है कि किसने बांटा है हिंदी साहित्य को 4 भागों में, तो आपका जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अब आदिकाल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक नाम और जाना जाता है जिसे बोलते हैं वीर गाथा काल। ठीक है, वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, नोन एज। ठीक है, वीर गाथा काल, इसका डेट आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। दोस्तों ये डेट जो है आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलती हैं, तो इस पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा, और ना ही कमेंट ऐसा करिएगा कि सर आपने तो गलत पढ़ा दिया है, डेट्स अलग हैं, क्योंकि डेट्स पे कोई एक सहमति नहीं, इसीलिए अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग डेट्स मिल जाएंगी। फिर भी ये मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स जो प्रेफर की जाती हैं उनसे ये डेट ली हैं, तो इसमें आपको कोई डर की ज़रूरत नहीं है कि हमारा गलत हो जाएगा। आप लोग इसे डेट को फिक्स मानिए, और इसी डेट पे आपको आंसर मिलेगा, पेपर में भी आपको यही मिलेगा, तो आप लोग उसी को तैयार कीजिए। बजाय जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो लोग आप वो दूसरे डेट्स भी याद कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं यही बताऊंगा, क्योंकि ये मानी जानी बुक से लिए गए हैं इसलिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भक्तिकाल की। ठीक है, भक्तिकाल इसका डेट क्या है, 1350 से 1650। दोस्तों इसे नोट करते चलिएगा, क्योंकि क्या होगा कि बाद में आप लोग भूल सकते हैं, तो इसीलिए अगर आप अभी नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसको भी एक और नाम से जाना जाता है, वो है पूर्व मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्य काल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीतिकाल की। इनको एक एक करके मैं अभी डिस्क्राइब करूँगा, पूरा ढंग से बताऊँगा इनके कवि कौन कौन से हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस चीज़ पे भी आप ज़्यादा फोकस रहिए, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार इसका नाम पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं उत्तर मध्यकाल। ठीक है, और आपका ये डेट आप याद ज़रूर याद कर लीजिएगा, 1650 से 1850 तक। अब आए बात आधुनिक काल की, कर लेते हैं। आधुनिक काल में क्या है, ये 1850 ईस्वी से अब तक, दोस्तों ये याद रखिए, अब तक चल रहा है। ठीक है, आधुनिक काल, क्योंकि अभी हम लोग आधुनिक काल में हैं, तो माना जाता है हिंदी साहित्य का ये आधुनिक काल चल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंस था इस चीज़ से रिलेटेड कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया, रामचंद्र शुक्ल ने बांटा है, ये इम्पोर्टेंट है। इन सबके नाम और डेट और इनके जो दूसरा नाम है उन्हें क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इस इम्पॉर्टेंट थी। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये ज़रूर जानना चाहिए कि आदिकाल के कौन कौन से प्रमुख कवि थे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप लोगों को लिस्ट दे देगा, 3-4 ऑप्शन देगा, 4 कवियों के नाम देगा, और पूछेगा ये कौन से काल के हैं, तो उनमें से कोई 3 एक काल के होंगे और एक अलग का होगा, तो वो आपको पहचानना होगा। तो इसीलिए आप लोग इनको काल के नाम से याद रखिए कि कौन कौन से काल में कौन कौन से कवि हुए थे, और फिर उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आदिकाल के प्रमुख कवियों में, नाम है अमीर खुसरो का। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा इनका। तो इनकी रचनाओं की क्या नाम है, खालिक बारी, हालते कन्हैया और नजरान ए हिंद। ठीक है, और इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या है कि ये खड़ी बोली के पहले कवि थे। क्या थे ये, खड़ी बोली के पहले कवि।
खड़ी बोली के पहले कवि थे, फर्स्ट कवि थे, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो, इन्होंने क्या लिखा था, चंद बरदाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग को अक्सर पेपर में मिल जाते होंगे, तो इसलिए इनके नाम और इनके जो सामने लिखा हुआ है ये इनकी रचनाएं हैं, तो आप लोग इनको भी नोट करते चलिए। अब बात करते हैं विद्यापति की, तो विद्यापति जो थे इनकी रचनाएं हैं पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। इन्हें इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, वो है कि इन्हें मैथिली भाषा का, मैथिली भाषा में ही अपनी रचना लिखते थे, इन्हें मैथिली भाषा का कोकिला कहा जाता था, ठीक है, कोकिला कहा जाता था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नरपति नाल, ये बिसल देव रासो इन्होंने लिखी थी, जो कि एक प्रेम का था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। बिसल देव रासो, इसके बारे में पूछा जाता है कि ये एक प्रेम कथा थी, ये आपको दे सकता है नरपति नाल ने कौन सी रचना लिखी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और जगनीक के बारे में, जगनीक परमाल रासो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसमें दोस्तों जो ये मैंने अंडरलाइन ये अब कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इसमें अक्सर पूछता है कि परमाल रासो किससे संबंधित है, तो आपको पता होगा महोबा के प्रसिद्ध आला उदल का इसमें वर्णन है, ठीक है, महोबा के प्रसिद्ध आला उदल का वर्णन है इसमें। अब बात करते हैं भक्ति काल के कवियों की, तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहला नाम है कबीर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों इसे, इन्होंने क्या लिखी थी, बीजक, जिसके तीन पार्ट थे, एक था साखी, एक सबद, एक रामायणी। ये दोस्तों कई जगह इसे रामायणी भी लिखते हैं, ठीक है, अड़ा और ना में कोई डिफरेंट नहीं है, तो आपको दोनों में से कोई भी दे आप लोग इसे टिक कर दीजिएगा, रामायणी हो या रामायणी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं सूरदास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसमें क्या है, सूर सागर इन्होंने लिखी, सूर सारावली लिखी और साहित्य लहरी लिखी है, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी, आप लोगों को पता होगा अभी पद्मावत मूवी भी आई थी, इन्होंने ही लिखी है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट भक्ति काल में ये तीनों ही बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनके रचनाएं और इनके नाम तीनों आप लोगों को याद होने चाहिए। नेक्स्ट और भी भक्ति काल के जो कवि हैं उनके बारे में देख लेते हैं, मीराबाई, इन्होंने क्या लिखा है, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका और राग गोविंद और राग सोरठा के पद, ये चार इन्होंने लिखे हैं, चारों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों, तो इनको भी आप लोग याद करते चलिए। रहीम की बात कर लेते हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इन्होंने लिखी रहीम दोहावली, रहीम सोरठा और बरवे नायिका, तो दोस्तों इसमें से आपको इन दो को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इनमें पहले से ही रहीम लिखा है, तो अगर ऑप्शन में आएगा तो आप जान जाएंगे कि रहीम दोहावली, रहीम सोरठा, इसमें रहीम लगा है तो ये ज़रूर रहीम ने ही लिखी होगी। आपको याद क्या करना है इसमें, बरवे नायिका, ठीक है, कि ये रहीम ने लिखी है। नेक्स्ट चलते हैं रसखान, रसखान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनका क्या है, प्रेम वाटिका सूजन रसखान, दोस्तों इसमें भी आपको सूजन रसखान याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें भी लास्ट में रसखान आ रहा है, तो ये किसने लिखी होगी, रसखान ने ही लिखी होगी, तो इसीलिए आपको याद क्या करना है, सिर्फ प्रेम वाटिका। अब बात कर लेते हैं रैदास की, ये भी भक्ति काल के बहुत ही प्रमुख कवियों में से थे, इनके पद जो इन्होंने रचना की है उसमें जो पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और ये किनके गुरु थे, ये थे मीराबाई के गुरु, ठीक है, मीराबाई के ये गुरु थे, तो इसीलिए ये और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मीराबाई के गुरु का क्या नाम था, तो आपको पता होना चाहिए कि रैदास था, ठीक है, रैदास था, और इनके जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तुलसीदास की, जो हर पेपर में एक नंबर आपको पक्का दिला सकता है, अगर इनके आपको सभी रचनाओं के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं वो अगर आपको आती हैं, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। बरवे रामायण, तो आप लोगों को पता ही है रामचरित मानस लिखी है, तो उससे भी आप याद कर सकते हैं कि रामायण भी वही सेम चीज़ है, तो बरवे रामायण हो गया, रामलला नाहछू हो गया, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका। दोस्तों तुलसीदास की
आप लोगों को ये सारी रचनाएं याद करनी होंगी, क्योंकि हिंदी के पेपर में आपको एक क्वेश्चन जो मिलेगा वो सबसे प्रसिद्ध कवि तुलसीदास उनमें से मेन है, और उसमें से एक क्वेश्चन आपको इनमें से मिल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कई रचनाएं की हैं। तो इनमें से आपको सारी तैयार करनी होंगी, इनमें से आप एक भी छोड़ के जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप सभी तैयार करिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आपको 5 नंबर से ऊपर चाहिए इसमें, तो आपको ये सारी तैयार करनी होगी जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ उसे भी आप नोट करते चलिए अपने नोट्स पे, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं रीतिकाल की। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला नाम आता है केशव दास का। इन्होंने क्या लिखी है? रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता और छंदमाला, ठीक है दोस्तों। तो ये केशव दास हो गए। बिहारी लाल, बिहारी लाल ने क्या लिखे? बिहारी सतसई। दोस्तों इन्हें बिहारी के नाम से भी सिर्फ बोला जाता है, तो इनकी रचना याद करने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने जितनी भी रचनाएं की वो बिहारी आगे लगा दी है। उनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट आपकी बिहारी सतसई है, तो आप लोग को बस ये याद रखना है बिहारी लाल, तो जहाँ पे बिहारी आएगा वो आप बिहारी सतसई आप लगा देंगे और टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट लेते हैं घनानंद। घनानंद ने क्या लिखी है? सुजान सागर, सुजान संबोधन, रस केली वल्ली। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ दोस्तों वैसे ही मैंने वैसे नोट कर दिया है, कोई भी वर्तनी में गड़बड़ी नहीं हुई है, तो इसीलिए आप लोग जैसा लिखा है वैसे ही लिख दीजिएगा। रस केली वल्ली और कृपा कांड, ठीक है। ये इन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं वो इन्होंने ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं। और भी कवि को देख लेते हैं, तो ये हैं पद्माकर। इन्होंने क्या लिखी है? जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, पद्माभरण, प्रबोध 50, पचासा है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे पचासा होगा, प्रबोध 50। भूषण की बात कर लेते हैं, तो भूषण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इन्होंने क्या लिखी है? शिवराज भूषण और शिवा बावनी, ठीक है। दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर आप कुछ ना याद कर सकें तो जो जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो तो आप बिल्कुल याद ही कर लीजिएगा, जिससे कि आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए मामला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेनापति की। तो सेनापति ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें भी याद कर लीजिएगा। भिखारी दास, इन्होंने क्या किया? काव्य निर्णय और रस निर्णय। दोस्तों इसे याद करने की एक ट्रिक है कि देखिए भिखारी जो होता है, भिखारी दास से आपको याद क्या आ रहा है? भिखारी, भिखारी के पास रुपए नहीं होते हैं, ठीक है, रुपए तो बिल्कुल नहीं होते हैं, तो लोग क्या करते हैं? निर्णय कर लेते हैं कि अब तो मुझे क्या करना है, रुपए कमाने हैं। निर्णय कर लिया कैसे कमाने हैं, चाहे भीख मांग के कमाना हो चाहे जैसे कमाना हो, लेकिन हमें निर्णय कर लिया है कि हमें रुपए कमाने हैं। तो ये जहाँ पे भी निर्णय आएगा तो वो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि वो किसने ले लिया, भिखारी ने निर्णय ले लिया। तो काव्य निर्णय हो या रस निर्णय हो, दोनों ही क्या? भिखारी दास ने लिखा है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं आधुनिक काल। ये हमारा चौथा काल है, 3 काल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, चौथे काल में थोड़ा सा और डिवाइड किया गया है इसे। आधुनिक काल को टोटल 6 भागों में बांट दिया गया है, तो इनके ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके सन कि ये कितने कितने ईयर में बटे हुए हैं, और दूसरा इनके नाम क्या क्या हैं, और इनके ऑर्डर क्या हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्रम क्या है। कई बार आपको क्वेश्चन में क्रम ही दे देगा कि पहले कौन सा आएगा, तो आप लोग को या तो डेट पता ही होनी चाहिए, क्योंकि डेट भी पूछता है और क्रम भी पता होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं आधुनिक काल को किन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भारतेंदु युग, जो कि 1850 से 1900 तक चला, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं द्विवेदी युग की, ये चला 1900 से 1920 तक। फिर छायावादी युग, जो कि 1920 से 1936 ईस्वी तक चला। फिर प्रगतिवादी युग आपका चला 1936 से 1943। फिर प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 तक। फिर नई कविता, जो कि 1950 से अब तक चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये 6 भागों में से डिवाइड किया गया है, ये सभी आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और इनका क्रम आपको पता ही है। भारतेंदु युग पहले आया, फिर द्विवेदी, फिर छायावादी, फिर प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता। तो इनका क्रम भी याद कर लीजिए, डेट भी याद कर लीजिए, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं पहले भारतेंदु युग के कवि की। तो भारतेंदु युग आपको नाम से ही पता चल रहा है ये किसके नाम पे पड़ा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा है,
तो इन्होंने क्या लिखा, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनकी ये तीनों रचनाओं को आप लोग याद कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं अंबिका दत्त व्यास की, इन्होंने क्या लिखा है, भारत धर्म पावस पचासा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जगमोहन सिंह की बात कर लेते हैं, देवयानी श्याम सरोजनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी दोनों आप लोग याद कर लीजिए, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। फिर राधा चरण गोस्वामी, इन्होंने सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है पेपर की दृष्टि से, वो है नव भक्तमाल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं द्विवेदी युग की। तो द्विवेदी युग सबसे इम्पॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से, क्यों, क्योंकि पेपर में इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इनके कवियों के नाम देके आपको पूछा जाता है कि इनमें से कौन से कवि द्विवेदी युग के हैं। और दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कि द्विवेदी युग किनके नाम पे पड़ा, तो ये थे हमारे डॉक्टर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और ये क्या थे, ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ये अक्सर पूछा जाता है आपसे कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग को बनाया गया, नाम दिया गया। ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनकी सारी रचनाओं के नाम आपको पता होने चाहिए और ये द्विवेदी युग में आते हैं। तो पहला नाम है साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी। ठीक है, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप लोग इसे याद कर लीजिए। जो लोग पेपर देते हैं हिंदी का, उनको पता होगा कि इस बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है ये द्विवेदी युग का, और इनमें से बिल्कुल ही आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं माखन लाल चतुर्वेदी का। माखन लाल चतुर्वेदी, इन्होंने क्या लिखी है, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण और समर्पण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी भी आप चारों रचनाओं को याद कर लीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या लिखा है, काव्य मंजूषा, ये मंजूषा ऐसे होगा, ठीक है, छोटी यू की मात्रा, और सुमन। ठीक है, दोनों ही इनकी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। फिर नाम आता है अगला अयोध्या सिंह हरिऔध। ठीक है, इन्होंने क्या लिखी है, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और रस कलश। तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम की। तो छायावाद के प्रमुख कवि में पहला नाम आता है जयशंकर प्रसाद का, बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों इनका भी। इनके सारे रचनाओं के नाम आपको पता होने चाहिए। तो चलिए पहला देख लेते हैं चित्रधार, इसे चित्राधार भी कई बुक्स में लिखा जाता है, तो आप देख लीजिएगा चित्रधार या चित्राधार। ठीक है, करुणालय, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, झरना, कामायनी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कामायनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इन्होंने क्या रचना की है, वीड़ा, गुंजन, उच्छ्वास, पल्लव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए छायावाद के सभी लोगों के नाम आपको याद होने चाहिए, जबान पे रटे होने चाहिए, जिससे कि आपको पूछे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, और इनकी रचनाओं के बारे में भी, खासकर जो मैंने दी, क्योंकि इन्होंने रचनाएं बहुत की हैं, आप सब याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं दे रहा हूँ ये पेपर्स में आए हुए हैं, हर बार अलग अलग रीजन में कहीं भी पेपर होता है हिंदी का, तो उनमें यही क्वेश्चन बार बार आए, रिपीट होते हैं यही इन्हीं रचनाओं से, तो इसीलिए आप इन्हीं को तैयार कीजिए। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने क्या रचना की है, अरिमा, अनामिका, तुलसीदास। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप ध्यान दीजिएगा तुलसीदास पे, नहीं बहुत से लोग क्या सोचेंगे कि तुलसीदास तुलसीदास नहीं लिखी होगी, वो उस पर टिक मार के चले आएंगे, तो इसीलिए ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि किसने लिखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। इनकी भी तीनों आपको रचनाएं याद होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले महादेवी वर्मा की, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्होंने क्या लिखी, रश्मि, नीरजा, सांदगी। ठीक है, तीनों इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं राम कुमार वर्मा की, इन्होंने क्या लिखी, चित्ररेखा और आकाशगंगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो छायावाद के सभी लगभग कवियों को आप याद कर लीजिए और इनकी रचनाओं को भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं प्रगतिवादी पे, प्रगतिवादी कवि इसमें बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है नागार्जुन का। इसमें क्या है, नागार्जुन ने क्या लिखा है, युग धरा, सतरंगे पंखों वाली,
प्यासी पथराई आँखें, ठीक है, प्यासी पथराई आँखें। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इनको भी, इनकी सारी रचनाएं ये जो तीनों हैं इसको याद कर लीजिए और इम्पोर्टेंट पे टिक कर लीजिए। सुमित्रा नंदनपन, दोस्तों अभी आपने पिछला जो देखा छायावादी, उसमें भी इनका नाम था, छायावादी में भी इनका नाम था, सूर्यकांत त्रिपाठी भी छायावादी में थे, इसीलिए कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा। ये कवि ऐसे हैं जो प्रगतिवादी में भी थे और छायावादी में भी थे, तो इनका ऑप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्टार बना लीजिए कि ये दोनों में हैं, इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, नहीं आप पेपर में गलत टिक करके चले आएंगे, आप सोचेंगे ऑप्शन में तो छायावादी था ही नहीं तो मैं कैसे लगा दूँ, तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रगतिवादी में भी आते हैं। तो दोस्तों दोनों ही छायावादी से रिलेटेड हैं ये, तो इसीलिए आप इनको भी याद कर लीजिएगा। और इनकी रचनाओं को अब देख लेते हैं, युगवाणी ग्राम्या बहुत इम्पोर्टेंट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुकुरमुत्ता, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। बाकी पिछले वाले में जो मैंने छायावाद में इनके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बता ही दिए हैं, तो आप लोग उनको एक साथ लिख लीजिएगा या अलग अलग भी लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन कौन सी लिखी और कौन कौन से कवि ऐसे हैं जो दोनों काल में आते हैं, दोनों युग में आते हैं, प्रगतिवादी में भी आते हैं छायावादी में भी आते हैं। अब बात कर लेते हैं केदारनाथ अग्रवाल की, तो इन्होंने क्या रचना की है, फूल नहीं रंग बोलते हैं और नींद के बादल। दोस्तों इनको याद करने की एक ट्रिक ये है कि केदारनाथ नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, केदारनाथ जो टेम्पल है उसके बारे में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, केदारनाथ मंदिर के आसपास आपको पता ही है फूल फुलवारी है, क्योंकि घाटी वैली में है वो, तो वहाँ पे फूल बहुत लगे हैं, तो उसका कहने का मतलब क्या है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मतलब वहाँ पे फूल नहीं बोलते हैं रंग। और फिर क्या होगा, नींद के बादल। अब नींद के बादल क्या, सब रात में सो गए थे, आप लोग को पता ही होगा त्रासदी आई थी, बादल फट गया था जिसके कारण बहुत ज़्यादा पानी आ गया था और उसके बाद सभी लोग बह गए थे, बहुत से त्रासदी जो हुई थी उसमें बहुत से लोग मारे गए थे, बड़े बूढ़े बच्चे, तो आप उसे भी याद कर सकते हैं कि फूल नहीं रंग बोलते हैं और नींद के बादल, बादल से आप उसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे शिव मंगल सिंह सुमन, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी याद कर लीजिए। इन्होंने क्या किया, जीवन के गान, प्रलय सृजन, ठीक है, विश्वास बढ़ता ही गया और हिल्लोल, ठीक है। इसमें से अगर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो इनका एक ये है, प्रलय सृजन है और विश्वास बढ़ता ही गया, हिल्लोल उतनी बार नहीं आया है लेकिन फिर भी अगर आप याद कर सकते हैं तो ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स में आ चुका है तो इसीलिए आप इसको छोड़ के जा नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं प्रयोगवादी कवि पे, प्रयोगवादी कवि पे क्या होगा, अज्ञेय, अज्ञेय में क्या होगा, सबसे पहले आप लोग इसका कमेंट में मुझे बताइएगा इनका पूरा नाम क्या है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप लोग इसे ज़रूर बताइएगा कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। अब इनकी रचना देख लेते हैं, इत्यलम इंद्रधनुष रौंदे हुए हरी घास पर क्षण भर। दोस्तों तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनका नाम आपको याद होना चाहिए और इनकी रचनाएं सभी इम्पोर्टेंट हैं। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं धर्मवीर भारती की, इनका क्या है, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इन्होंने क्या लिखी है, अंधा युग, कनुप्रिया और ठंडा लोहा, तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसे भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भारत भूषण अग्रवाल, इनकी जो एक इम्पॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से वो यही रचना है, ओ अप्रस्तुत मन, ठीक है, ओ अप्रस्तुत मन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है, तो मुक्तिबोध ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका भी याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है, इनमें से चांद का मुंह टेढ़ा बहुत बार आया है और भूरी भूरी खाक धूल ये भी बहुत आया है, तो आप लोग तैयार करते चलिए सारी चीज़ें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी रचना का देख लेते हैं, बांस के पुल और एक सूनी नाव, ठीक है, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कभी नहीं आए हैं लेकिन फिर भी एक दो बार आए हैं, तो आप लोग इसीलिए रात और बन पाखी, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट हैं। गिरिजा कुमार माथुर, इनकी तीनों रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने करिएगा, शिलापंख चमकीले, नाश और निर्माण और धूप के धान, धूप के धान बहुत बार पूछा गया है, तो इसको एकदम आप लोग रट लीजिए सारे जितने भी मैंने आपको बताए हैं। अब बात कर लेते हैं नई कविता, जो जिसका टाइम जो है 1950 से
से अब तक चल रहा है, ठीक है। अब तक मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, ये सारी डेट्स आपको पता होनी चाहिए। भवानी प्रसाद मिश्र, इन्होंने क्या रचना की थी, सन्नाटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, गीत फरोश, चकित है दो, ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फिर दुष्यंत कुमार, इनका आपको नाम जानना जरूरी है, सिर्फ इनकी रचनाएं नहीं पूछी जाती हैं पेपर्स में, तो इसीलिए आप लोग इन दोनों के नाम मैंने दे दिए हैं कि आपको ये पूछ सकता है। नई कविता में जो आते हैं लेखक, उनके नाम दे देगा आपको, चार ऑप्शन दे देगा, तो उनमें से ये लोग तीन लोग हो सकते हैं, तो इसीलिए आप लोग इनका नाम याद कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो हमारा, हिंदी साहित्य और कवि और उनकी रचनाओं पर रिलेटेड। इससे आप अगर तैयार करेंगे तो आपको मिनिमम 5 मार्क्स मिलने तय हैं, तो आप लोग इसे तैयार कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको बेहतरीन और भी वीडियोज़ मिलने वाले हैं। हमने ऑलरेडी हिंदी के ट्रिक्स के वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। और अगर आपको और भी कोई टॉपिक पढ़ना है, जो ट्रिक से आप पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी का हो या एप्टीट्यूड का हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम लोगों उसे तैयार कराने कोशिश करेंगे कि उसे जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाए। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, और भी ट्रिक्स के एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उन्हें भी देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।